जय हिंद। हरियाणा के सभी बेरोजगार भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज जो है हम सबको एक साथ इकट्ठा होना होगा। हरियाणा में आपको पता है बेरोजगारी है, अपनी चरम सीमा पहुंच चुकी है। देश में बेरोजगारी है पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपने काफ़ी दिन से यूट्यूब पे देख रहा होगा, अपने SSC जो है उसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुए यूट्यूब पर, ट्विटर पर बहुत सारे ट्वीट किए गए, 40 लाख के आसपास ट्वीट किए गए हैं। तो आज जो है 11 बजे जैसे हमें पता लगा कि भाई आज 3 तारीख को हरियाणा के जो छात्र हैं उनको भी ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना था। तो ये 4 ट्वीट है जो आपको आज करना है। स्पीक अप फॉर HSSC स्टूडेंट। याद रखना, इसमें HSSC जो है ये कैपिटल में है, बाकी सारा स्मॉल है और ये स्पेस नहीं है किसी में भी, ठीक है। हैश करके जो है हैशटैग ये ट्विटर पर जाकर आपको करना है। और दूसरा है, आपको पता है बहुत सारी पेंडिंग जो रिजल्ट है हरियाणा में वो डिक्लेयर नहीं हुई, तो उसके लिए भी आपको टैग करना है HSSC डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट। जैसे हरियाणा क्लर्क जो है उसका रिजल्ट नहीं आया काफ़ी समय से। उसके अलावा HSSC जो है इसका जो सिलेबस है ना वो डिफाइंड ही नहीं है। कई बार इसके सवाल जो होते हैं काफ़ी हाई लेवल के आ जाते हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी होती है और पेपर में आ जाते हैं IAS लेवल के। और तीसरा जो है हैशटैग जो है दोस्तों वो है HSSC एग्ज़ाम कैलेंडर। इनका दोस्तों हर बात का एक तमाशा बन गया है। जब भी इलेक्शन आते हैं ये भर्ती निकाल देते हैं, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसको ठंडे बैग में डाल देते हैं। तो इसके लिए भी हमको एक टैग लगाना है, HSSC जो है उसके एग्ज़ाम कैलेंडर डिफाइन किया जाए। तो ये 4 टैग जो है आपको चलाने हैं, सारा दिन चलाना है। इतने ज़्यादा ट्वीट करें कि जो है खट्टर जो सरकार है उसके कान में ये बात ज़रूर जानी चाहिए कि भाई हरियाणा का युवा अब शांत नहीं बैठेगा। जैसे कि HSSC वालों ने कंप्लेन चलाया, उसके साथ साथ ये भी चलाते रहना पूरे देश के लिए। आप पता है स्पीक अप फॉर HSSC जगह जगह यहाँ पे SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स, वो तो चल ही रहा काफ़ी समय से, उसको ट्विटर पे आपने नंबर 1 भी ला दिया है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें शांतिपूर्वक करनी है, हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, नहीं सड़कों पे आके हमें तोड़फोड़ करनी है। इससे जो है ना सरकार को मौका मिल जाता है कि भाई ये जो लोग हैं ये विपक्षी वाले हैं, ये इसमें कुछ लोग जो है सरकार के खिलाफ, जो मतलब सरकार के पास मौका ना मिलने, आप ऐसे काम करिए शांतिपूर्वक जो है ट्विटर पे आप क्या करिए, ट्वीट करते जाइए। जब ट्विटर पे पूरे वर्ल्ड में जो है ना, ट्विटर पे आपको पता है बड़े बड़े लोग इससे जुड़े होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब लोग देखेंगे, भारत के बड़े बड़े नेता देखेंगे, तो आपको पता है कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। इसका असर आपको कल रात की देखने को मिल गया था, हरियाणा में जो वैकेंट पोस्ट है ना A और B की, ग्रेड ए और बी की जो भी जॉब है उसकी जो है HSSC ने क्या मांगी है, जानकारी मांगी है। तो आने वाले टाइम में आपको ए और बी ग्रेड की काफ़ी सारी जॉब्स देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आजकल आपको पता है बेरोजगारी तो है, देखो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस के टाइम भी बहुत सारा व्यापार जो है ठप पड़ गया, पर सरकार क्या बहाना मारती है इसका कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा है देश में। अगर देश की 1 करोड़ जनसंख्या होती है तो उसी हिसाब से नौकरियां भी होती है, देश के बाद भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से जॉब्स भी है। बात समझ आ रही है आपको? तो हरियाणा में क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना है कि ट्विटर पर जाए ट्वीट करे, जिसको नौकरी मिल भी गई है दोस्तों वो भी इस पर ट्वीट करे। ये ना सोचो कि भाई हमारा तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारी नौकरी लग गई। तो अपने आने वाले जो भविष्य आपके आसपास जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए सामाजिक दायित्व निभाते हुए भी आप ट्विटर पर जाकर ये कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज पूरा दिन आपको क्या करना है, जितने हो सके उतने ट्वीट करते जाना है। आजकल आप सारे लोग फ्री हैं, इतना तो टाइम हो गई कि आप एक दिन में 15 से 20 ट्वीट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसी ही वीडियो आपको मैं आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपको हरियाणा के उसके भी वीडियो डालूंगा। तो ये जो जितने हैशटैग है दोस्तों इसको आप ज़रूर जाइए, और जितने हमारे यूट्यूबर हैं चैनल, जितने टीचर्स हैं, वो पहली बार एक मंच पे आए हैं दोस्तों। पूरे देश में एक क्रांति का माहौल है, सारे टीचर एक साथ आ गए हैं, दोबारा ऐसा नहीं होने वाला। तो इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए आप। और ये टीचर क्यों कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है उनके लिए ही तो किया जा रहा है ना। टीचर्स को सरकार के पता आने वाला टाइम में यूट्यूब बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस अवसर से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। रेलवे NTPC जो है उसके लिए आप कंपेन हमने चलाई थी, वो भी आप उसको भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे सारा जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। ये नहीं कि भाई एक बार हमें NTPC का एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर दिया कि इस तारीख को होगा, बैंकिंग का पेपर इस दिन होगा, हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करना दोस्तों।
कि हर साल जो है सरकार ऐसा ना करे कि इलेक्शन आए और भर्ती जारी कर दे और उसके बाद उसको बैग में डाल दे ठंडे बैग में। तो सरकार को जैसे 11वीं 12वीं नीट UPSC के पेपर होते हैं ना, हर साल फिक्स होता है कि भाई इस दिन होगा, इस दिन रिजल्ट होगा, इस दिन उसकी जॉइनिंग होगी। तो इस तरह इसको चुनावी मुद्दा हम बनने देंगे सरकार को। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ये डिमांड करनी है कि भाई इसका कैलेंडर घोषित किया जाए, इस फिक्स टाइम पे इसको एग्ज़ाम होने चाहिए, कोई भी हो, सेंट्रल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, फिक्स टाइम पे ही एग्ज़ाम हो, उसका रिजल्ट घोषित हो और ज्वाइनिंग बहुत जल्द से जल्द हो। जैसे ALP आपने देखा होगा, ALP जो है ना उनका रिजल्ट भी आ गया और अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, बता उनकी ट्रेनिंग तक नहीं हुई अब तक, एक साल से, अब क्या करे वो। तो दोस्तों बहुत बुरा हाल है, आज युवा को जागना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में जो है सब बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला देश का। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ट्विटर पर जाके इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए, ठीक है।